होते हैं, एक होते हैं सिंथेटिक और एक होते हैं नेचुरल। नेचुरल में कौन सा होता है? कैटगट। नहीं नहीं, कैटगट अब्सॉर्बेबल सूचर है। नेचुरल में आते हैं सिल्क, दैट इज नॉन अब्सॉर्बेबल। ब्लैक के भी थ्रेड होते हैं, जैसे डोर नहीं होती जितनी मोटी। अरे बच्चे दरवाजा बंद कर दो। नेचुरल होता ब्लैक कलर का थ्रेड होता है, वो होता है सिल्क का। ऐसी होती है जैसे मोटी सी डोर होती है, देखा है कभी सिल्क का आप लोगों ने? यस। हाँ, पुराने जमाने में जो ड्रामे मूवीज आते थे ना, उसमें ऐसे काले काले जो बड़े बड़े मोटे मोटे स्टिचेस होते थे, वो सिल्क से लगते होते हैं। फिर जैसे जैसे मॉडर्नाइज हुआ, तो अब हम वहाँ पे सिल्क नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है वो नॉन एब्जॉर्बेबल, जो सिंथेटिक में, वो कौन सा है? प्रोलीन। देखे ब्लू कलर का स्टिच होता है, ये जो हम ऊपर ओटीज में स्किन के ऊपर लगा रहे होते हैं, वो प्रोलीन है, वो भी सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल नेचुरल कौन सा है? कैटगट। ब्राउन कलर का थ्रेड होता है, वो कैटगट नेचुरल है। और जो सिंथेटिक है वो कौन सा है? वाइक्रेल। ठीक है, अब वाइक्रेल किस कलर का होता है? ठीक है, दिस वन इज वाइक्रेल। अब ये पर्पल कलर का थ्रेड, सही है। अब हमने क्या करना होता है? डिफरेंट टाइप के सूचर्स हैं, हमने कौन कौन से स्टिचेस, ये सॉरी ये सूचर्स हैं, इनको सूचर्स कहते हैं। स्टिचेस हम ये जो लगाते हैं, ये है। वैसे हम आम जो सामान में भी इसको स्टिच कह देते हैं, हालांकि ये नहीं स्टिच नहीं, इसको सूचर्स कहते हैं। अच्छा, ये है जी नीडल होल्डर। नीडल होल्डर ऐसे होता है कि इसके अंदर ऐसी बारीक सी लाइन होती है, इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग नीडल। ठीक है, ये लॉक्स होते हैं, ये प्रॉन्ग्स होते हैं। अब आपने जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना है ना, यहाँ पे सर्जरी में, तो हमेशा क्या करना है? थंब इधर, ये वाली रिंग फिंगर इधर, मिडल फिंगर इधर और इंडेक्स फिंगर इधर, ऐसे पकड़ना होता है। मूवमेंट कहाँ करनी होती है? रिस्ट। ठीक है, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, वो आपकी फिर मूवमेंट प्रॉपर नहीं आती, इसलिए आपने प्रॉपर ऐसे। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने फेलिंजेस यूज़ करनी होती है, इंटरफेलिंजियल जॉइंट, ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरी फिंगर नहीं डालनी, अगर ऐसे डालोगे तो प्रॉपर आपकी मूवमेंट नहीं होगी। ओके, ये कर लिया। अब हमने नीडल यूज इस तरह थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, ये विद प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ये सबसे बेस्ट पोजीशन है इसकी जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये नीडल है, ये हाफ सर्कल नीडल है, इसको होल्ड करने का तरीका क्या होता है किसी भी नीडल को? क्या आप वन थर्ड? हाँ, वेरी गुड। वन थर्ड लेटरल और टू थर्ड मीडियल, और ये टिप से पकड़ना है। ठीक है, ये मैंने पकड़ लिया। अब फॉर आप समझ रहे हो, ये इन सी एन एक्स की का सबसे पहले हम लगाएंगे कौन से स्टिचेस और स्टिचेस? सिंपल इंटरप्टेड। ठीक है, इंटरप्टेड होते हैं जो हम थोड़े थोड़े फासले पे लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं जो हम मुकम्मल विदाउट गैप यूज करते हैं। सो पहले है सिंपल इंटरप्टेड, ये क्या है? कौन सा फॉर्सेप्स है बच्चों? टूथ फॉर्सेप्स। ठीक है, टूथ फॉर्सेप्स के आगे ऐसे टूथ बने होते हैं, और अगर ये प्लेन होता तो आगे ये कोई टूथ ना होता। ये किन स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए यूज होता है? टफ, ये फाइबर स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, और ये थोड़ा ट्रॉमेटिक होता है, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें हम ट्रॉमा अवॉइड करते हैं उसमें फिर हम ये यूज नहीं करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? ये इन सी एन है। अब आपने क्या करना है, इसका एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ये है कि आपने इसको एज से होल्ड करना है ऐसे। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये इन सी एन लाइन है, दिस वन, तो आपने 1 सेंटीमीटर अवे लिया या 2 सेंटीमीटर अवे लिया, जितना भी अवे, तो डेप्थ भी आपकी उतनी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करें 2 सेंटीमीटर अवे ले रहे हैं लेकिन डेप्थ 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो आपकी अप्रॉक्सीमेशन ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपने ऐसे डीप ले लिया। अब हमने इसको आगे से गुजारा, वैसे ही इन सी एन लाइन ये है, ये वाली। ठीक है, इससे 2 सेंटीमीटर अवे मैंने गुजारा। अब ये देखो मेरी मूवमेंट कहाँ हो रही है? वेस्ट पे। तो ऐसे अब आगे से फॉर्सेप्स से हमने नीडल को होल्ड किया, ये ऑफ किया। अच्छा, ये होते हैं लॉक्स, ये आप देख रहे हो इसके ऊपर 3 लाइन्स है, 1 2 3। तो लॉक, जब नीडल होल्डर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लॉक करते हैं, तो हमने 1 2 3 ये प्रॉपरली लॉक है। बस अक्सर ये होता है जब हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम थर्ड पे चले जाते हैं, वो खुलता रहेगा। आप ऐसे मूवमेंट करोगे खुलता रहेगा, इसलिए आपने प्रॉपरली इसको 3 टाइम्स लॉक करना है। ठीक है, लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये नीडल को निकाल लिया ऐसे। अब निकाल के ट्राई टू यूज इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग यहाँ पे ना काम करते करते क्या करते हैं, फिंगर्स यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक नहीं अच्छा लगता। ठीक है, अच्छा, लेके ऐसे। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, नीडल को रिवर्स कर लेना है क्योंकि अब हमने स्टिच दूसरी तरफ से लेना है। फिर सेम वैसे ही वन थर्ड और मीडियम फिर निकल गई। ये देखो ये मैंने ब्लॉक प्रॉपर नहीं किया था, वो खुल गया। मैम इतना ही लेना, सॉरी इतना ही लेने देना। आइडियल कितना होना चाहिए, ये छोटा थ्रेड होना चाहिए क्योंकि हम ये कितने महंगे आते हैं तो स्टिचेस को हमने प्रॉपरली यूज़ करना है। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पे ये स्किन है फॉर एग्जांपल और यहाँ भी ये स्किन है, हमने स्किन के बिल्कुल एज से गुजारना होता है। एक स्किन होती है, स्किन के नीचे फॉरन फाइब्रस टिश्यू आता है, उस फाइब्रस टिश्यू के अंदर से अगर फॉर एग्जाम्पल ये एज है ना, दिस वन इज एज, तो हमने इस एज के बिल्कुल ऐसे गुजारना है। हमने इतनी दूर से ऐसे टिश्यू नहीं लेना, वो बड़ा चंक नहीं लेना, इधर बड़े चंक, और जब हम ये अप्रोक्सीमेट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ऐसे, और जहाँ से हमने थ्रेड निकाला था उसी के ऑपोजिट से लेना है। अब ये हमने मैट्रेस सूचर लगा लिया, ये कौन सा सूचर, स्टिच मैट्रेस, ये मैट्रेस है जिसमें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये मैट्रेस है। सिंपल में बताती हूँ, सिंपल में हमने कुछ भी नहीं करना होता। अच्छा ये देखो ये लग गए ऐसे, अब हमने नॉट लगानी है। नॉट के लिए क्या है, ये कौन सा किस तरह का अल्फाबेट बन गया, इट्स इन्वर्टेड वी ना ये। अब हम गलती क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर जो मेथड है वो ये है कि इस वी के ये जो अंदर वाला एरिया है इसको ऐसे दो लूप्स देने होते हैं, लेकिन हम यूजली जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हम अक्सर बाहर से दे देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो नॉट जो होती है ना वो प्रॉपर नहीं होती, जब नॉट प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, वून प्रॉपर नहीं होगा और वो हाइपरट्रॉफिक स्कार बनेगा, और बुरा स्कार तो किसी को भी नहीं पसंद। अच्छा ये दो लूप्स ले लिए, अब ये छोटा जो थ्रेड है ये अगर इस साइड पे है तो हमने इसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है। अब ये देखो ये प्रॉपर नॉट है, अगर मैं ऐसे नहीं कर रही तो, या मैं इस साइड पे लेके जा रही हूँ, इज इट अ प्रॉपर नॉट, नो ये नॉट देखो नजर भी आ रही है, तो हमने ऐसे इसको बिठा देना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब हमने ये जब फर्स्ट नॉट ले लिया है, ठीक है, तो अब हमने कौन सी नॉट लेनी है, सेकंड में हम कितने लूप लेंगे, सिंगल ऐसे, और फिर ये हैंड पकड़ के ये स्मॉल जो इसका है इसको ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे, अब ये देखें, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से अंदर लूप में से ले गए इसको इस साइड पे, तो ये फिर हमारी क्या बन गई जी, सिंपल ये नहीं, ये मैट्रेस सूचर, मैट्रेस इंटरप्टेड। अब हमने यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर को काट कर देना, ओके। अच्छा ये कौन सा सीजर है, इज इट स्टिच कटिंग सीजर और टिश्यू कटिंग, हाँ कर्व सीजर है, कर्व कौन सी सीजर होती है, स्टिच कटिंग होती है या टिश्यू कटिंग, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते तो हम इससे भी स्टिच कट कर ले, हालांकि ये टिश्यू कटिंग है, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट वाली स्टिच कटिंग थी। अब ये थे इंटरप्टेड मैट्रिक्स सूचर, अब हम सिंपल सूचर लगा लेते हैं, सिंपल इंटरप्टेड इज वेरी इजी।